Welcome back to your own channel CS Hirangeria. Students, I am back with another chapter of yours is 2.7. 2.6 हमने कंप्लीट किया था. हमने पहले भी कहा है आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ ड्रॉप करें कमेंट बॉक्स में. उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशन आते रहे, शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए. मैं आपकी इंग्लिश टीचर पल्लवी बैनर्जी अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ. होप आपको एंजॉय कर रहे हैं. वापस से करने की कोशिश करूँगी, वापस से बोलूँगी कि प्लीज़ अपना नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेन पेंसिल लेके बैठें. और एक और बात, इंग्लिश है तो इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में रीड करें, इंग्लिश को लिसन करें. जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, स्पेलिंग्स अच्छी होगी, ग्रामेटिकल एरर नहीं करेंगे और पेपर भी जल्दी ख़त्म करेंगे. सो इंग्लिश है, ऑल द बेस्ट. लेट्स स्टार्ट विद अनदर ब्यूटिफुल पोएम 2.7, शी वॉक्स इन ब्यूटी. जैसे मैंने पहले भी कहा है, आइस ब्रेकर्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग इसके लिए अलग सा वीडियो बनेगा, उसके हम बाद में पोस्ट करेंगे. इसी वजह से कहते हैं बेल आइकन को हिट करना ना भूले. लेट्स सी, अब है ये जॉर्ज गॉर्डन बायरन, जो 1788 को उनका जन्म हुआ. 22 जनवरी 1788 में उनका जन्म हुआ. जनवरी के एंड उनका जो डेथ था वो 19 अप्रैल को हुआ. 19 अप्रैल 1824. सो इट्स 19 अप्रैल. नोन सिंपली एज लॉर्ड बायरन वॉज फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड ऑल्सो सटायरिस्ट. सटायरिस्ट मतलब ह्यूमर, ह्यूमर भरा, जो ह्यूमर होता है, जोक्स, जेस्ट. He attended a number of schools, including the famous public school, Harrow, and then went to Trinity College, Cambridge. मतलब बहुत सारे स्कूल उन्होंने चेंज किया होगा, कोई वजह रही होगी या ट्रांसफर जॉब रहेगा, कुछ भी रहा होगा. एंड देन उन्होंने लास्ट में पब्लिक स्कूल हैरो एंड देन वेंट टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज. एट द एज ऑफ 21 ही स्टार्टेड टू ए टूर. ओके, बहुत सारे बच्चे इसको टूर पढ़ते हैं, इसे टूर नहीं है, वो टूर है. ओके, जब इंग्लिश सीख रहे तो अच्छा सीखे. ऑफ यूरोप एंड द ओरिएंट आफ्टर विच ही कंपोज्ड चार्ल्स हैरोड्स पिलग्रिमेज विच मेड हिम इमेंसली पॉपुलर इन इंग्लैंड. और ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड नहीं है. शी वॉक्स इन ब्यूटी इज अ शॉर्ट लिरिकल पोएम. लिरिकल पोएम है 18 लाइन का. ये जो लिरिकल पोएम है, शॉर्ट लिरिकल पोएम, वो आपका जो 18 लाइन का है. ओके, 18 लाइन्स है उसको. और उसके जो 18 लाइन्स है, 3 स्टैंजाज में 6 लाइन ईच है. तो 3 स्टैंजाज है, उसमें 6 लाइन्स हैं. द पोएट डिस्क्राइब्स एन अननेम्ड वुमन. जो वुमन को उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, यहाँ पे जो वुमन है उसको उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, मतलब उनको नाम नहीं दिया है. हु इज एक्सेप्शनली स्ट्राइकिंग. स्ट्राइकिंग मतलब उनको देखते ही मेस्मराइज्ड हो गए, मतलब देखते ही ओह, बार बार देखने का दिल करा. तो पोएट डिस्क्राइब नॉट ओनली हर एक्सटर्नल अपीयरेंस बट ऑल्सो हर इनर गुडनेस विच मेक्स हर सो कैप्टिवेटिंगली. कैप्टिवेटिंगली अट्रैक्टिव का मतलब होता है किसी को वश में कर देना. कैप्टिवेटिंग का मतलब वश में करना. यानी पोएट डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब ये कर रहे हैं कि वो ऊपर से तो खूबसूरत थी ही, जो ओवरऑल खूबसूरत थी ही, पर अंदर से भी वो बहुत खूबसूरत थी. इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी, वो पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं. लेट्स सी फर्दर. बायरन कंपेयर्स हर टू द नाइट ऑफ स्काई, डिस्क्राइबिंग हर सीरीन एंड परफेक्ट ब्यूटी. मतलब नाइट का जो आपने स्काई देखा होगा, ब्यूटीफुल लगता है, भले ही वो डार्क हो, पर उसमें जब चांद सितारे होते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है. तो पोएट उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं. ही इज़ नॉट डिस्क्राइबिंग दैट शी इज़ डार्क, बट शी ही वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो जब जैसा दिखता है वो रिसम्बल वैसे करता है. राइट, ऑल दो द पोएम इज जनरली थॉट टू बी अ लव पोएम, द पोएट नेवर एक्चुअली डिक्लेयर्स हिज लव फॉर दिस लेडी. देखा जाए तो पोएम रोमांटिक पोएट है, लेकिन उन्होंने सिर्फ लेडी को खूबसूरती दिखाई है. उन्होंने ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया, या ही इज़ नॉट मेंशन्ड दैट कि ये पोएट वो उससे प्यार हो गया है या उन्होंने प्रपोज किया है. एनीथिंग लाइक दैट इज़ नॉट गिवन इन दैट. लेट्स सी व्हाट इज़ द पोएम टॉक्स अबाउट.
जैसे मैंने पहले ही कहती हूँ मैं आपसे कि मैं आपको सिंपल वे में भी आपको नोट्स दे दूँगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर लिख सकते हैं। अगर आपने मिस कर दिया तो व्यू वापस से चैनल को कर सकते हैं, इस वीडियो पे जाके आप देख सकते हो, पर मैं हमेशा कहूँगी स्क्रीनशॉट के बदले आप व्यू करें और उसे लिख लें। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस करें बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेट्स सी क्लाइम्स का मतलब, क्लाइमेट यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। लेट्स सी शी वॉक्स इन ब्यूटी, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट। एंड इधर एस्पेक्ट का मतलब होता है फीचर्स, एंड हर आइज दस मेलोड टू दैट टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज। नाउ क्या होता है ये ब्राइट, गॉडी तो पता है आपको, गॉडी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला ब्राइट है। मेलोड का मतलब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मेलोड इज स्मूद एंड सॉफ्ट, बहुत स्मूद होता है, सॉफ्ट होता है, सिल्क के जैसा। एस्पेक्ट्स यहाँ पे उसके फीचर्स नाक नक्शे होंगे जो बहुत सुंदर होंगे, तिरछी नैनो वाली काइंड ऑफ थिंग। एंड क्लाइम्स यहाँ पे क्लाइमेट, क्लाउडलेस क्लाइमेट जो उसकी खूबसूरती के बारे में बता रहे। लेट्स सी हम अपने भाषा में यानी अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे इसको बता सकते हैं। लेट्स सी तो फर्स्ट स्टैंजा का जो एक्सप्लेनेशन है उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको पोएट्री का ये बता देती हूँ, आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ अपने नोटबुक में लिखा कीजिए। She Walks in Beauty is a lyrical poem that focuses on appreciating female beauty. मतलब female beauty को कैसे appreciate किया जाता है ये इस poem में दिखाया गया। It proposes the idea that outer beauty is interlinked to inner beauty and when they exist in harmony, the resultant perfection is beyond comparison. कहते हैं कभी कभी कुछ लोग बाहर से बहुत सुंदर लगते हैं पर जब आप उनसे बात करने लगते हो तब आपको पता चलता है कि उनका नेचर अच्छा नहीं होता, तो आप उनसे बात नहीं करते भले ही कितनी भी सुंदर हो ना, कितना भी हैंडसम होने दो। उसी तरह यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि अगर जो इंसान बाहर से सुंदर है और अंदर से भी सुंदर है तो उसकी छवि अलग ही होती है, लोग उससे बहुत पसंद भी करते हैं और उनके साथ उनका जो एक्चुअल खूबसूरती वो बाहर आ जाती है। अंदर ही खूबसूरती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग देखने में कुछ खास नहीं होते या वो उनको कोई देखना पसंद भी नहीं करते, लेकिन जब उनसे बात करते हैं उनका स्वभाव अच्छा होता है तो आपके वो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इसी वजह से हमेशा अंदर ही ब्यूटी जो है, जो इनर ब्यूटी है उसको रिस्पेक्ट करें, नहीं आउटर ब्यूटी को। ठीक है चले। इन दिस पोम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर वुमन हुज ब्यूटी हैज लेफ्ट हिम सो मेसमराइज दैट ही कंपेयर्स हर अट्रैक्टिवनेस to the perfect balance of dark and bright and suggest that the purity of her thought and her soul greatly enhance her beauty. मतलब वो इतनी उस खूबसूरत है, क्यों बता रहे खूबसूरत है उसको, क्योंकि वो अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी बाहर से है, इतनी अंदर से भी खूबसूरत है। इसी वजह से पोएट कह रहे हैं कि उसके जैसा खूबसूरत कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर की खूबसूरती भी देखी है। तो हैज़ लेफ्ट हिम सो मेसमराइज मतलब इतना ज़्यादा वो उसके उसमें मोह माया, मेसमराइज का मतलब होता है मोह माया में ये हो गया, मतलब ही वॉज सो एक्साइटेड बाई लुकिंग एट हर कि उनको से लगे कि वाओ क्या है ये। यहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स भी मैंने इंग्लिश में देने की कोशिश की है आपको और यह भी किया है। लेट्स सी हम उसका स्टैंजा जो हमने फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा था उसका क्या मतलब होता है। सो फर्स्ट स्टैंजा जो हमने रीड किया उसका मतलब क्या होता है। द पोएट सेज दैट वुमन वॉक्स इन ब्यूटी मीनिंग दैट शी इज सो इनक्रेडिबल ब्यूटिफुली ब्यूटिफुल दैट ब्यूटी सराउंड्स हर लाइक एन ऑरा। ऑरा का मतलब पता है, यहाँ पे जो एक रिंग आती है जो हमें नहीं दिखती है, दूसरों को दिखती होगी, बट वो एक ऑरा होता है। आपका ऑरा आपको पॉजिटिव बनाता है, नेगेटिव बनाता है। अगर आपका पॉजिटिव ऑरा है तो लोग आपसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, आपका लाइफ पॉजिटिव रहेगा, आप स्माइलिंग फेस होगे, आप दुख में भी खुशी नज़र आओगे और लोग आपसे बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे। तो ऑरा होना बहुत ज़रूरी होता है, तो पॉजिटिव ऑरा रखा करें, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे भी उनका ऑरा बहुत अच्छा था। ही एट्रीब्यूट्स हर विथ मिस्टिकल, मिस्टिकल मतलब रहस्यमय, एकदम मिस्ट्रियस
qualities associated with darkness by comparing her to a cloudless and starry night. With darkness by comparing her to a cloudless and starry night. Everything that's good about light and dark comes together in perfect harmony in this woman's feature, giving her eyes a glow so tender that even the heaven cannot provide it to the daytime. यानी यहाँ पे जो डार्क स्टेरी नाइट, जैसे मैंने बताया पूरा नाइट ब्लैक स्काई है, उसमें स्टार्स की जो जब आप देखते हो वो कितना ब्यूटीफुल लगता है, तो उसी से वो कंपेयर कर रहे हैं. लेट्स सी हमारा सेकंड स्टैंजा क्या है. सेकंड स्टैंजा आपको क्या कह रहा है. वन शेड द मोर वन रे द लेस हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस विच वेव्स इन एवरी रेवन. रेवन है जो एक तरह का बर्ड है, आई थिंक उसे क्या तो कहते हैं, डोम कौवा कहते हैं उस बर्ड को, जो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं. कौवा तो होते हैं, वो क्रोई होते हैं, बट बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, उनको ग्रे वाले पार्ट नहीं होता. क्रोस को ग्रे वाले पार्ट होते हैं, उनको नहीं, वो जेट ब्लैक होते हैं. रेवन ट्रेस यहाँ पे ट्रेस का मतलब होता है हेयर, मतलब जो उनकी जो केस थे, जो हेयर थे, वो पूरे ऐसे उनके फेस से नीचे गिर रहे थे, मतलब इतने जेट ब्लैक था. और सॉफ्टली स्लाइटेंस ओवर अ फेस, धीरे से उनके फेस के ऊपर गिर रहा था. वेयर थॉट्स सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस. तो अब यहाँ पे ड्वेलिंग का मतलब होता है रहना. ड्वेलिंग प्लेस रेफर्स टू हर, मतलब वो उनका चेहरा, चेहरे पे जब वो काले घने बाल उनके चेहरे पे घिर रहे थे तो कितनी खूबसूरत लग रही थी, वो इसे बताए जा रहे हैं. लेट्स सी हम इजी वे में इसको कैसे कर सकते हैं. ये जो हमारे सेकंड स्टैंजा है, इजी वे में हम स्टैंजा को कैसे ये कर सकते हैं. हम इसको बड़ा कर देते हैं. ठीक है, फिर से कहूँगी स्क्रीनशॉट के बदले अगर आप वापस आके व्यू करेंगे और लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको ये आगे जाके काम आए. द पोएट देन सेज दैट इफ द डार्कनेस वॉज स्लाइटली मोर इफ द ब्राइटनेस स्लाइटली लेस इट वुड हैव वीकेंड हिज ब्यूटी दैट वर्ड्स अलोन कैनॉट डिस्क्राइब. वो कह रहे कि अगर डार्क थोड़ा ज़्यादा डार्क होता, थोड़ा ज़्यादा लाइट होता तो क्या होता, ब्यूटी खराब हो जाता है. By mistakenly, I have written here. ये जो weekend her की जगह, his की जगह her होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी. That words alone cannot describe. Words cannot describe. क्योंकि इतना balanced उसका beauty था, ना ही ज़्यादा dark, ना ही ज़्यादा light. तो मतलब कुछ भी चीज़ में कोई भी कम ज़्यादा नहीं था. ओके, द पोएट कंटिन्यूज द डार्क एंड ब्राइट हार्मनी बाय सेइंग दैट द ब्यूटी फ्लोज फ्रॉम द वुमन्स डार्क वेवी एंड ग्लॉसी हेयर टू हर फेस ओवर हर पेल एंड ब्राइट कॉम्प्लेक्शन. पेल एंड मतलब बहुत गोरी होंगी, बहुत ज़्यादा फेयर होंगी. तो आप इमेजिन करें एक ब्राइट फीमेल, उसके ऊपर ब्लैक कलर के जो उनके ब्लैक जेट ब्लैक हेयर फेस पे गिर रहा है, तो कितनी खूबसूरत लग रही होंगी. हर फेस बीन्स the sweet expressions, the bears a sweet expression, मतलब smiling face होगा और एक ऐसा aura जिसे देख के लोग mesmerized हो जाए. The sweet expression of the pure and peaceful thought of our mind. तो उन वो जब आप खुश होते हो, आपका mind एकदम शांत होता है, तब आप एकदम शांति से और खुशी से देखते हो, तो लोग आपका जो चेहरा है वो अलग ही कुछ बयान करता है. ऐसा आप गुस्से में होते तो पता चल जाता है, आप रो रहे होगे तो पता चल जाता है. उसी तरह इनका जो चेहरा था, ये बहुत ही सीरीन, काम, शांत, एकदम शांत, तो उनसे पता चल जाता है कि ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं. लेट्स सी द अदर ड्वेलिंग प्लेस. ओके, अब एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट द स्माइल्स दैट विन द टिंस दैट ग्लो बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो अ हार्ट हुज लव इज इनसेंट. सो ये बहुत अच्छी लाइन्स है कि एलोक्वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव, एंड यहाँ पे द फ्रेज ड्वेलिंग रेफर्स टू हर, तो ये तो हमने पहले लाइन में देखा था, एक्सप्रेसिव है. एंड द चीक ओवर दैट ब्रो,
ओवर द चीक, ये इसको चीक बोलते हैं, ये है आईब्रोज. ओके, सो सॉफ्ट एंड सो काम येट एलोकेंट. एलोकेंट मतलब बहुत एक्सप्रेसिव, शांत है, एकदम शांत है, कुछ बोल नहीं रही, कुछ नहीं कर रही, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ बोल रही हैं. राइट, लेट्स सी कि हमारे जो ईजी वे हैं उसमें क्या, हम इसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है. ओह ग्रेट, तो जो आपका स्टैंजा है वो, लेट्स सी. द पोएट कंटिन्यूज टू प्रेज द वुमन्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स बाय कमेंटिंग ऑन हर सॉफ्ट चीक्स एंड हर काम फोरहेड एंड टेल्स हाउ एक्सप्रेसिव दे आर. तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है आपका फिजिकल अपीयरेंस, जो आपके नाक नक्शे होते हैं, जो आपका फिगर होता है, उसके बारे में बात कर रहा है. तो यहाँ वो किस बारे में बात कर रहे हैं, सॉफ्ट चीक्स एंड हर काम फोरहेड. जो ये चीक्स है और ये फोरहेड है वो एकदम काम है, उसमें कोई फ्रंट लाइंस नहीं है. ऐसे वाले होते हैं ना, तो गुस्से में होते हैं हम, दुखी होते हैं हम, या फिर एक्सप्रेशन होता है हमारे उसमें, पर इनका एकदम सॉफ्ट चीक्स थे और फोरहेड में एक भी लाइंस नहीं, मतलब काम थे, मतलब खूबसूरती एकदम झलक रही थी. ही कंक्लूड्स दैट हर इनर ब्यूटी इज एज स्ट्राइकिंग एज हर आउटर ब्यूटी. वो कहते हैं पोएम को ख़त्म करने के टाइम जो लाइंस उन्होंने यूज़ किया है, वो कहते हैं कि जितनी उनकी बाहरी खूबसूरती है उतनी ही उनकी अंदरूनी खूबसूरती भी है. हर स्माइल्स दैट विन पीपल ओवर एंड हर ग्लोइंग स्किन आर सो एक्सप्रेसिव ऑफ हर इनर स्टेट ऑफ माइंड दैट दे आर ऑलमोस्ट एबल टू स्पीक. वो कह रहे हैं कि उनकी जो स्माइल है उसको देख के ही लोग, कभी कभी किसी किसी की स्माइल बहुत अच्छी होती है, आप उसको बार बार देखने की कोशिश करते हैं और चाहते भी हैं और बोलते भी हैं, अरे स्माइल करो ना, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है. राइट, उनकी भी स्माइल बहुत अच्छी थी और पीपल उनको, उनकी स्माइल देख के अट्रैक्ट होते थे. एंड हर ग्लोइंग स्किन, उनकी स्किन भी बहुत ग्लो कर रही थी. एंड सो एक्सप्रेसिव ऑफ इनर स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि उनकी जो इनर स्टेट है, अंदरूनी जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो बहुत ही काम, सीरेन और खुश मिजाज था. इसी वजह से वो बिना बोले ही बहुत कुछ बोल सकती थी. हर काम एंड सीरेन एक्सटीरियर इज़ द रिजल्ट ऑफ हर क्लियर कंसाइसनेस बिकॉज शी कंडक्ट्स हरसेल्फ इन अ वर्चुअस मैनर. यानी वो, उनका जो इनसाइट है, जो सोचने की ये है, वो बहुत शांत है. वो अंदर से भी शांत है, बाहर से भी शांत है, इसी वजह से बहुत एक्सप्रेसिव है. बिना बोले ही बहुत कुछ उन्होंने बोल दिया. राइट, अब बिकॉज शी कंडक्ट्स हरसेल्फ अ वर्चुअस मैनर, हर माइंड इज एट पीस बिकॉज इट इज़ नॉट टार्निश्ड मैनर. यानी उनकी माइंड इतनी पीसफुल है क्योंकि वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचती होगी, या कोई भी ऐसा कोई हलचल नहीं होता होगा उनके मन में. टार्निश्ड का मतलब होता है कलंकित, जो को कुछ भी ऐसा मलाइननेस नहीं है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है, इसी वजह से उनका माइंड एकदम स्टेबल है. हर माइंड इज़ एट पीस, पीस में है, और कोई भी मिसलीड नहीं करता. मिसलीड का मतलब होता है जब भी आप कोई गलत सोचते हो या कोई भी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो, कोई चीज़ को ज़्यादा सोचने लगते हो ना, तब आपके माइंड हे वायर हो जाती है, यहाँ वहाँ चली जाती है, इसी वजह से आप कोई चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो. जो लोग इनर ब्यूटी जिनकी होती है, जो अंदर से खुश होते हैं या अंदर से खूबसूरत होते, वो लोग ज़्यादा ये सारी बातों में ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं, उन्हों हमेशा कोई अच्छा ही सोचते रहते हैं और लोगों के बारे में भी अच्छा ही सोचते रहते हैं. हर माइंड इज़ एट पीस बिकॉज इट इज़ नॉट टार्निश्ड बाई एनी मिसडीड्स. शी, मिसडीड्स का मतलब गलत काम भी उन्होंने कभी सोचा नहीं है या गलत काम करने की ऐसी सोच भी नहीं रखते. She hasn't done wrong to anyone. उन्होंने किसी के लिए भी कोई गलत काम नहीं किया है. And her heart is full of pure and innocent love. यानी उनका जो हार्ट है, जो दिल है, वो हमेशा प्योर रहा है, यानी एकदम पवित्र और उन मासूम, मासूम एंड इनोसेंट, मतलब शुद्ध और मासूम रहा है. कहते हैं ना कि inner beauty, the beauty lies in the eyes of the beholder. जो खूबसूरती वही देख सकता है जिसको खूबसूरत, जैसे हर माँ के लिए हर बच्चा खूबसूरत होता है, हर बच्चे के लिए अपनी माँ खूबसूरत होती, उसी तरह ब्यूटी का भी अलग ही ये है. ब्यूटी इज़ सब्जेक्टिव, अगर आप बोला जाए तो ब्यूटी इज़ सब्जेक्टिव. आई होप आपने ये सारे ने ये कर दिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन मैं कुछ हमेशा बोलती हूँ, प्लीज़ डोंट गो फॉर स्क्रीनशॉट, आप कोशिश करें कि आप उसे लिखें. तो जैसे मैं बता रही थी, ब्यूटी इज़ सब्जेक्टिव, यानी ब्यूटी का जो ये है, ब्यूटी इज सब्जेक्टिव.
इसका मतलब होता है कि जो ब्यूटी है वो किसी के लिए कोई और ब्यूटी हो, जैसे ज़रूरी नहीं है कि सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेस है सबको पसंद आए, किसी को कोई और पसंद आता तो किसी को कोई और पसंद आता। अगर खाली ब्यूटी की बात होती तो सब मिस इंडिया और मिस फेमिना मिस इंडिया इनको ही ब्यूटी बनाते, मिस यूनिवर्स इन्हीं को ब्यूटीफुल बोलते और या इन्हीं के फैन फॉलोवर्स होते, बाकी कोई एक्टर एक्ट्रेस के या ड्रामेटिस्ट के या आर्टिसंस के नहीं होते। क्यों? क्योंकि खूबसूरती सिर्फ खूबसूरत होने से नहीं होता, खूबसूरती का जो ये है सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है सबके लिए। किसी के लिए दिल अच्छा होना चाहिए तो किसी के लिए हेयर अच्छा होना चाहिए, तो किसी के लिए आइज अच्छे होते, तो किसी के लिए फीट अच्छे होते। हर इंसान की अलग चॉइस होती है ऑफ ब्यूटी या पसंद होती है ऑफ ब्यूटी। द आइडिया ऑफ ब्यूटी इज सब एब्स्ट्रैक्ट। हम क्या बोलते हैं, एक और आपको कहावत है, हम बोलेंगे द आइडिया ऑफ ब्यूटी is abstract, okay? इसी के साथ आपका जो पोम है यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आया, आई होप आपको जो मीनिंग्स दिए गए हैं और जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो आपको समझ में आया। आप स्क्रीनशॉट लिए हो तो इट्स गुड, नहीं लिए होगे तो व्यू कर दीजिए एंड मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, एग्ज़ाम के टाइम में आपको इतनी भागदौड़ करनी नहीं पड़ेगी, एंजाइटी नहीं होगी, ठीक है? ओके, और भी अगर कुछ आपको इस रिलेटेड कुछ भी चाहिए होगा तो मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर से कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।